2024 में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली चुटकियों में कैसे डिलीट कर सकते हो, यही चीज़ मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इतना शॉर्ट एंड सिंपल तरीका है ना कि अगर कोई भी बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी सीख जाएगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह से डिलीट किया जाता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना एंड साथ में कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। जैसे कोई कई लोग कमेंट करते हैं कि यार भाई, जिसके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था वही ब्लॉक करके चली गई, अब इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज करने का क्या ही फ़ायदा। इस तरह के मज़ेदार कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाते हैं। उसके लिए हमें इंस्टाग्राम ओपन करना होगा, तो यहाँ से मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। एंड मैं बिल्कुल रिफ्रेश अकाउंट बनाया हूँ ताकि ताकि आप अच्छे से समझ में आ सके 2024 में इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते किया जाता है। अब सिंपल तरीका जानते हैं डिलीट करने का। तो उसके लिए जस्ट अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर थ्री लाइन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सिंपल सी करना है, ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेल्प सेंटर, यहाँ पे दिख रहा है हेल्प सेंटर, हेल्प दिख रहा है, सॉरी हेल्प दिख रहा है, तो हेल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही हेल्प पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर दिख रहा है, तो हेल्प सेंटर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हेल्प सेंटर के मेन्यू में चले जाना है। यहाँ पे थ्री लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी मैनेज योर अकाउंट में जाना है। मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जस्ट नीचे से फोर्थ नंबर पे दिखेगा डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिलीट योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप कई लोगों को लग रहा होगा वीडियो को स्पीक करके वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने चला जाएगा, बट यहाँ तक सही नहीं है क्योंकि यहाँ से तो खेल शुरू ही होगा कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है प्रमाणली, यहाँ पे मैं आपको घेरा लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया किस तरह से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपका इंस्टाग्राम डिलीट नहीं होने वाला है, नया रूल 2024 का। यहाँ से पहले यहाँ से हो जाता था, अब न्यू अपडेट के साथ आया, तो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं होगा। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिख रहा होगा जिसमें मैंने घेरा लगा दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे डीएक्टिवेशन और डिलीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट खुल के आ चुका है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। तो यहाँ से आप फेसबुक का भी डिलीट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम के भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करूँगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहा है, डीएक्टिव का और डिलीट का। तो यहाँ पे हमें दूसरे नंबर चूज करना है। दूसरे नंबर चूज करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर डिलीट अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके कंटिन्यू पे करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे इंस्टाग्राम रीजन पूछेगा आप डिलीट क्यों करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे समथिंग ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा जो भी मेरा पासवर्ड होगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा इंस्टाग्राम परमानेंटली के लिए डिलीट हो जाएगा।